हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यार, आज मैं अनबॉक्सिंग के लिए एक माइक लेके आया हूँ। ये एक वायर्ड, एक्चुअली मैंने दो माइक्स ऑर्डर किए हुए हैं। एक वायरलेस माइक है जो कि बोया का ही है, और ये भी मैंने एक बोया का वायर्ड माइक ऑर्डर किया हुआ था जो कि मेरे पास डिलीवर अभी हो चुका है। और आज इसकी एक अनबॉक्सिंग करेंगे, बट अभी आज मैं सिर्फ आपको इसकी एक अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और दूसरा माइक की आवाज़ सुनाऊंगा कि माइक एक्चुअली कितना ज़्यादा इसका बेटर है। बिकॉज एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से एक माइक ढूंढ रहा था यूट्यूब के लिए, तो मैंने काफ़ी यूट्यूब्स पे देखा और खुद काफ़ी सर्च किया, वीडियोस देखी, तो मुझे लास्ट में पता चला कि इसके रिव्यूज़ सबके काफ़ी अच्छे थे और अमेजन पे भी इसके रिव्यूज़ अच्छे थे। तो मैंने फिलहाल एक ही ऑर्डर किया है और एक वायरलेस ऑर्डर किया। जिस दिन मेरा वायरलेस माइक आएगा उस दिन उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे, बट फिलहाल आज ये पहुंचा है मेरे पास। अभी इसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड मेरे को 650 रुपये पाई की पड़ी है, और क्वालिटी शायद अच्छी है। माइक आज के टाइम पे माइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुके हैं हर किसी के लिए। आप चाहे यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आजकल गूगल मीट्स पे लोगों की मीटिंग होती हैं, तो हर चीज़ों के लिए माइक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने भी एक ही अपने यूट्यूब के लिए शुरुआत के लिए किया है। तो चलिए देखते हैं एक बार माइक कैसा है, क्या है, इसकी एक बार अनबॉक्सिंग करते हैं। राउंड अप ये देखिए, 690 रुपये का मेरे को ये माइक पड़ा है। ये है हमारा एग्जैक्टली माइक का बॉक्स, बोया कंपनी का है। इसका जो मॉडल नंबर है वो है BYM1, ये इसका मॉडल नंबर है। और ये मेन क्या है कि ये आपका कंपैटिबल है लैपटॉप्स के साथ, टैबलेट्स के साथ, फ़ोन के साथ, कैमरे के साथ। तो आप किसी भी, यारे लास्ट वाला शायद कैमरा ये मुझे नहीं एक्चुअली एग्जैक्टली पता नहीं कि ये साइन किस चीज़ का है। तो इन सभी चीज़ों के साथ आपका ये कंपैटिबल है। ये है इसकी डिटेल्स। और अब अगर हम इसके साइड पैकेजिंग्स पे आ जाते हैं तो पीछे यार ये कुछ उसके फीचर्स हैं, जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो सब यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिस पे कि आपका सिर्फ फ्रीक्वेंसी रेंज दिखा रहा है 65 हर्ट्ज़ से 18 हर्ट्ज़ के आसपास। और ये वो सारी चीज़ें, एक्चुअली मुझे माइक्स की इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं, बट हाँ फॉर श्योर जिन लोगों को माइक्स की नॉलेज होगी उनको ये शायद वर्ड्स बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लग रहे होंगे, मेरे को तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। तो बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने एक माइक परचेज़ किया है, और यार प्राइसिंग के हिसाब से और इन सब हिसाब से तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं माइक को, तो यार देखो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट 690 रुपये एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है जो आदमी कर सकता है ट्राई, जो कि मैंने भी आज किया ही है। तो एक बार देखते हैं अंदर और क्या मिलता है। तो यार इसके साथ एक तो ये शायद इसकी मैनुअल होगी जो कि यूज़र मैनुअल है इसको। हालांकि मुझे लगता नहीं है, आज जब से यूट्यूब इस दुनिया में आया है लोग इसको पढ़ते हैं, हर आदमी यूट्यूब देख के चीज़ें सीखता है कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। बट मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि आप इसको पढ़ें, क्योंकि मैं तो एग्जैक्टली इसके बाद पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि कोई इंसान, कोई कंपनी यार इतनी मेहनत करके ये चीज़ बना रही है तो आई थिंक हमें पढ़नी चाहिए। उसके बाद ये शायद इसका कुछ वारंटी पॉलिसीज़ करके हैं, वारंटी कार्ड है। दिस वारंटी डज नॉट कवर, ये शायद किसी चीज़ों में, किस किस चीज़ में आपकी वारंटी कवर होगी वो यहाँ लिखी है, और किन चीज़ों में आपकी वारंटी कवर नहीं होगी वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और ऑनलाइन आजकल तो सारी वो आती हैं वारंटीज़। ये स्टिकर, ये सब एप्पल एप्पल एक टाइम पे स्टिकर्स दिया करता था, अब सब देते हैं। तो ये बोया का स्टिकर है यार। साथ में एक पाउच है जो कि मैं सच बताऊँ, अगर जिस प्राइस पॉइंट पर इन्होंने माइक दिया है, मैं तो इसके कवर पाउच से बहुत ज़्यादा मतलब खुश हूँ, क्योंकि जिस क्वालिटी का मुझे फ़िलहाल लग रहा है तो अच्छी क्वालिटी का माइक का कवर लग रहा है। कवर अच्छी क्वालिटी का है तो शायद माइक भी होपफुली अच्छी क्वालिटी का हो। साथ में ये कुछ देखते हैं अभी इसके बाद क्या है ये चीज़ें। और यार ये है शायद एग्जैक्टली हमारा माइक, ये माइक है। तार तो इसकी यार वायर बहुत लंबी, अच्छी वायर दे रखी है, शायद ठीक क्वालिटी की वायर भी ठीक क्वालिटी है, कोई इतनी ज़्यादा बुरी या बहुत ज़्यादा वो क्वालिटी की नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी की इवन है अगर आप कहें तो। और शायद ये इसका माइक्रोफोन होगा जो जो हमारे कॉलर पे, या हम अपनी टी शर्ट से कॉलर पे कहीं पे भी इसको लगाएंगे, ये उस चीज़ के लिए होगा। और ये इसका कंसोल है, इस पर एक्चुअली देखिए अगर आप देख पाएंगे दो ऑप्शन हैं, एक कैमरा, स्मार्टफोन। तो और ये जो स्विच है स्लाइड करने के लिए, अगर आपको कैमरे पे अपना माइक लगाना है तो आप इसको ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, और अगर आपको वही स्मार्टफोन पे लगाना है तो आप उसको नीचे को स्लाइड कर सकते हैं।
और ये फिलहाल इसका यहाँ पे ये है, इसको भी नीचे एक सेकंड रख लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें तो यार एक सेल दिया हुआ है, और शायद इसका सेल एक्चुअली, हाँ इसमें ये है कि अगर आप इस माइक को अपने कैमरे के साथ यूज़ कर रहे हैं तो आपको सेल की ज़रूरत पड़ेगी, विदाउट सेल वो यूज़ नहीं होगा। बट अगर आप उसको अपने स्मार्टफोन के साथ पेयर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी सेल की ज़रूरत नहीं है, विदाउट सेल वो आपके स्मार्टफोन के साथ पेयर हो जाएगा, सिर्फ कैमरा है अगर आपको तब आपके ये यूज़ का है। ये यार एक क्लिप है, ये क्लिप शायद जब भी हम अपने कॉलर पे, जो मैंने भी आपको बोला है सबसे पहले, टी शर्ट या शर्ट जिस पे भी आप लगाएंगे, तो उस पे ये क्लिप आपके काम आएगी, जिस पे माइक को होल्ड करेगी। अंदर और कुछ इसका यार एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्या यूज़ है, बट मैं देखूंगा, आई गेस शायद ये कैमरे के यूज़ के लिए ना हो, मैं इसको देखूंगा एक बार किस चीज़ के लिए। इसका जब मैं आपको लास्ट इसको यूज़ कर लूँगा, तो जब मैं इसका रिव्यू दूंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। और ये अ शॉर्ट ऑफ डेड कैट है, जो कि छोटे साइज की है, बट ये आपकी विंड नॉइज के लिए ज़्यादा काम आती है, जब आप किसी ऐसी एरिया पे हो जहाँ पे आप शायद स्पेशली व्लॉग कर रहे हो, कहीं पे व्लॉगिंग के लिए बाहर पे हो, तो रोड नॉइज आती है, विंड नॉइज आती है, तो ये आपको कैंसिल करेगी एक तरीके से, और सिर्फ आपको माइक के देगी। तो यार इतनी सारी एसेसरीज ये हैं जो एग्जैक्टली हमको इसके साथ मिलती हैं, ये सब चीज़ें। और एक चीज़ और कि जैसे आज के टाइम पे स्मार्टफोन्स में आप देख रहे हैं, जो भी स्मार्टफोन्स हम ले रहे हैं उसमें 3.5 mm का जैक नहीं आता है, ये सबसे बड़ा मिस है। तो अगर आप स्मार्टफोन के लिए इसको ले रहे हैं अपने लिए, तो आपके लिए सबसे बड़ी एक ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, ये जो कनेक्टर आता है टाइप सी टू 3.5 mm जैक के लिए, जो ये कनेक्टर आता है ये आपको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं ले पाएंगे तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने फोन को। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप या तो ऑनलाइन देख लें या फिर ऑफलाइन भी मेरे ख्याल से आपके अगल बगल मिल जाएगा। एक्चुअली मेरा तो ये जो है मेरे फ़ोन का वन प्लस का ओरिजिनल मेरे पास है, अदरवाइज़ ये आपको आई गेस 150-200 से स्टार्ट हो जाता है, 300-400 पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और ये वैसे भी बहुत काम की चीज़ है। सेल आपका है इसमें माइक पे, वो यहाँ पे लगता है इसके बीच में, यहाँ पे आप इसको सेल लगा के इसको बंद कर सकते हैं, तो इससे आपका सेल इसमें लग जाएगा। और एक बार ही इसकी रॉ इसको निकाल के अब मैं एक बार इसको कनेक्ट करता हूँ माइक को अपने फ़ोन से, और उसके बाद फिर चेक करते हैं कि ऑडियो कैसा आ रहा है। आई थिंक ये तो हमारे लिए इतना ही सफिशियंट होगा माइक खोलने के लिए, इसको खोलने की ज़रूरत तो मुझे नहीं पड़ेगी, आप लोगों को पड़ेगी, तो आप खोल लें। ये कनेक्ट कर लेते हैं, ये इस पे चला जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा कि आप इसको इजीली और आराम से डालें थोड़ी तसल्ली से, क्योंकि ये फट भी सकता है, बिकॉज इस डेड कैट की क्वालिटी शायद इस चीज़ में मुझे इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं लग रही है, बिकॉज ये बहुत पतला और हल्का फोम है, और जो कि यार आप कॉलर माइक्स पे इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हैं, एटलीस्ट वो अपना काम कर ले वही ज़्यादा बेटर है। इसको अच्छे से आपको अंदर को डालना है, क्योंकि आप ढंग से देखिए कि आपका ये जो है ये नीचे तक आना चाहिए, अदरवाइज नॉइस कैंस इसकी एक्चुअली जो विंड कैंसिलेशन है कह सकते वो काम नहीं करेगी। तो मैं माइक को एक बार अपने फ़ोन पे पेयर करके फिर आपको ऑडियो सुनाता हूँ कि कैसा आ रहा है। फिलहाल तो मुझे माइक की क्वालिटी देखने से काफ़ी सही लग रही है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज पे ये आता है उस हिसाब से जो क्वालिटी शायद इन्होंने पाउच की दी है या माइक की दी है वो वर्थ है लेने लायक। बट अब इसकी क्वालिटी एग्जैक्टली क्या है वो मैं आपको चेक करने के बाद अब बताता हूँ। अभी तक जो मैं आपसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये नॉर्मल उसकी माइक की आवाज़ है। अब जो मैं इसके बाद आपको माइक आवाज़ सुनाई देगी वो माइक से आवाज़ होगी।